अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने अमेरिका से इंडिया तक का सफर सड़क के रास्ते तय किया है और सबको चौंका दिया। उसने ये कारनामा किया है अपनी गाड़ी से। लखविंदर सिंह इनका नाम है और उनका कहना है कि उन्हें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आई, केवल ईरान का वीजा लेने में उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। जानिए कैसा है उनका सफर और इसके पीछे के जुनून की कहानी हम आपको दिखाते हैं। इस कार पर सवार लखविंदर सिंह का सफरनामा बेहद मजेदार है। लखविंदर ने इस कार से सड़क के रास्ते अमेरिका से हिंदुस्तान का सफर तय किया है। अपनी कार लेकर लखविंदर अमेरिका के कैलिफोर्निया से चले और करीब डेढ़ महीने में जालंधर पहुंच गए। ये सारा दिमाग कोरोना ही ला गया। एक्चुअली कोरोना जी आया, कुछ करना नहीं सी, घरे बैठे जी, ना कोई टीवी न्यूज आ रही, कुछ नहीं आ रहा थी। मैं सोचा चल कुछ करिए वखरा, इस तो वखरा मैं कुछ लगा नहीं है। मैं बाई रोड चल दें जी इंडिया नू, तो बस फिर लग गए। मैं एक्चुअली 3 साल लगे प्लान करते, 3 साल बाद मैं कंप्लीट किया टूर अपना। लखविंदर कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो से चले थे। इस सफर में इन्होंने 20 देशों की सीमा पार की और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की। केवल अमेरिका से ब्रिटेन तक इनकी कार समुद्री जहाज के जरिए आई, बाकी सफर इन्होंने सड़क मार्ग से तय किया। लखविंदर अमेरिका से ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान होते हुए अपने वतन हिंदुस्तान पहुंचे। लखविंदर का कहना है कि उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल ईरान में थोड़ा अलग अनुभव रहा। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपस में प्रॉब्लम चलती है, पर उत्थे ये सी मैंने उन्हें गड्डी नहीं अपनी चला दी, गड्डी नहीं कहते चला देनी। फिर गड्डी उन्होंने भाई मेरी 2600 किलोमीटर गड्डी उन्होंने टो कर ली, तो टो तो बाद उन्होंने फिर मैं आप ही मतलब कि टैक्सी पिछे पिछे गड्डी मोहरे मोहरे, तो मैं टैक्सी तक 4 दिन लगे क्रॉस कर दे। लखविंदर का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान से होकर आने पर खतरा हो सकता है, लेकिन वहां की आवाम ने जो प्यार दिया वो यादगार है। जालंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाय रोड अमेरिका से भारत आना इतना आसान भी नहीं है, बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन भारत से कोई वहां जाना चाहे तो उसे भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी किसी शख्स ने कार से अमेरिका से भारत तक का सफर पूरा किया हो? लखविंदर सिंह नाम के शख्स ने मुश्किलों के बावजूद ये कारनामा कर दिखाया है। जालंधर के रहने वाले हैं लखविंदर और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लखविंदर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि मुश्किल है लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? मैडम, आइडिया मेरा 3 साल पहले मेरे माइंड में आया था, जब कोरोना था, जब दुनिया सारी मर रही थी, मैंने सोचा भी मैं जब बच गया तो कुछ डिफरेंट करूंगा, तो उस टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया था। पर जाहिर सी बात है कि इतना आसान नहीं रहा होगा, मुश्किलें तो बहुत ज्यादा आई होंगी। कहाँ कहाँ किस किस तरह की दिक्कत आई आपको? मैडम, मुश्किलें तो 3 साल लगे मुझे प्लान पेपर सारा पेपर रेडी करते, गाड़ी की और अपने पासपोर्ट अपने वीजे, पूरे 3 साल लगे जी। और क्या मुश्किलें थी? मुश्किलें वीजे की मुश्किलें थी, गाड़ी के पेपर बनाने काफी मुश्किल थी। जहां मैं रहता हूँ अमेरिका में, उधर वो ईरान के पेपर नहीं बनाते गाड़ी के, फिर ऐसे काफी मुश्किल आ रही थी पेपर वर्क, पूरे 3 साल लगे पेपर वर्क करते हुए। रास्ते के बारे में भी हमें बताइए, किस तरह का रास्ता था, कौन कौन से पड़ाव बीच में आ रहे थे? मैडम, मैं कैलिफोर्निया से चला था, कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो कैपिटल है, सॉरी सैक्रामेंटो चला था कैलिफोर्निया, तो उधर से गाड़ी शिप करके मैं लंदन यूके लेके आया। उसके बाद मैं बेल्जियम गया, बेल्जियम के बाद मैं यूके से बेल्जियम, बेल्जियम से फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से ऑस्ट्रिया, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बल्गारिया, छोटे छोटे काफी कंट्री थे बीच में, फिर टर्की, टर्की, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये सारा जो सफर आपने तय किया बाय रोड ही तय किया है, या बीच में कहीं शिप का भी? था यूएसए टू यूके शिप था, बाकी सारा मैंने बाय रोड ही किया और मैं सोलो ड्राइवर था। तो सोलो ड्राइवर के मन में क्या क्या चल रहा था जिस दौरान ड्राइव कर रहे थे? लग रहा था कि पड़ाव सारे पूरे हो जाएंगे। हो रहा था कभी कभी, जब नहीं होता था तो ऊपर देखता था पहुंचना होने थे तो इतनी ठीक है, कभी कभी मन में नेगेटिव सोच जाती थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आपका परिवार साथ था? क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं, मत कीजिए, बहुत मुश्किल भरा है? मैडम पहले तो मेरे फैमिली को 1 2 साल 1 1.5 साल पता नहीं चला उनको मैं क्या कर रहा हूँ, वो सोच रहे थे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो उनको 2 साल के बाद पता चला भी, जब मेरे ऑलमोस्ट पेपर डन हो गए तो उन्होंने काफी परेशान थी मेरी वाइफ, बोलती तो केला क्या करेगा जंगल में कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा। मेरी मेन प्रॉब्लम थी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, सबसे बड़ी खाने की प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ, बोलती तो कहीं मीट नहीं खाता कुछ, यही उसको टेंशन थी बस। आप तमाम कंट्रीज घूमे हैं, लेकिन इन तमाम जगहों में सबसे ज्यादा प्यार कहाँ मिला आपको? मैडम जहां जहां मेरी गाड़ी रुकी वहां वहां बहुत प्यार मिला मुझे, हर कंट्री में मिला, यूके से लेके बाघा बॉर्डर तक ही, ऐसे मुझे कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई कि मुझे 1% में मैं वापस चला जाऊं। मैंने आगे देखा पीछे कभी मैंने मुड़ के देखा ही नहीं पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो पल जब आप भारत एंटर हो रहे थे, वाघा बॉर्डर से जब आप भारत में कदम रखे रहे थे, वो एहसास कैसा था? जीत गया वन हो गया था, ये सारे खुश थे, सारे किसी ने सारे सोच रहे मैं कभी ये एडवेंचर पूरा नहीं करूंगा, वो बोल रहे थे तुम वापस रास्ते से वापस आ जाओगे, पर जब मैं बाघा क्रॉस करके बाहर आया तो समझो मैंने पूरी दुनिया जीत के बाहर आया उधर से।